तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेबसाइट की केस स्टडी के बारे में। और जो आज की वेबसाइट की केस स्टडी है ना, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ सोचने पे जो है मजबूर कर देगी, क्योंकि कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हमें अपने ब्लॉग हम कोई स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्लॉग पोस्ट जो है वो काफ़ी लंबी लिखनी पड़ती है, 500 वर्ड 1000 वर्ड की जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना, तभी भाई वो जो है वो गूगल में जाकर रैंक करती है। तो आज हम जिस वेबसाइट की केस स्टडी लेके चल रहे हैं वो एक बर्थडे विशिंग से रिलेटेड वेबसाइट की केस स्टडी है, और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई कैसे यार सिर्फ 100 वर्ड से नीचे के पोस्ट लिखे हुए हैं। 100 वर्ड से नीचे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 वर्ड के नीचे 50 वर्ड तक के जो उसमें पोस्ट लिखे हैं, और भाई वेबसाइट जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैंक कर रही है, बहुत धांसू तरीके से जो है उसमें ट्रैफिक आ रहा है, 1 मिलियन प्लस जो है वो ट्रैफिक लेकर के आ रही है। और जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है भाई तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो उसमें कमाई भी हो रही है, ठीक है ना। तो चलो यार हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारा जो है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई, क्या वेबसाइट है और किस तरीके से जो है भाई वो रैंक कर रही थी। चलो चलते हैं भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये आप वेबसाइट देख सकते हो, बर्थडे हैप्पी बर्थडे विसर करके जो है वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ नोटिस करने वाली, कि आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से, देखो ये कितने छोटे छोटे पोस्ट है, कुछ पोस्ट तो सिर्फ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इमेजेस लिख करके आ रही, और ये एक पोस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पोस्ट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये अपने एक इंडिविजुअल टाइटल के साथ जो है ये पोस्ट आपको दिख जाएगी। साथ में यहाँ पर नीचे जो है वो आपको रिलेटेबल जो भी पोस्ट होती है ना, जैसे कि नॉर्मली केसेस में आता है ना, वैसे रिलेटेड पोस्ट वगैरह दिख जाएंगे जा करके। तो इस वेबसाइट में आप देखोगे ना, सिंगल सिंगल जो विशेज होती है ना उसके पोस्ट बनाए गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा आर्टिकल लिखा गया है जिसके अंदर 100 150 विशेज वगैरह जो है वो ऐड कर दियो, कुछ 8 10 जो है वो यूनिक इमेजेस ऐड कर दियो। ये एक थोड़ा सा अलग अप्रोच में जो है वो आपको चीज़ देखने को मिली होगी कि भाई देखो ये इंडिविजुअल सब जो है वो पोस्ट के तरीके जो है वो लिखी हुई है। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ देखो ये जो है वो एक छोटा सा पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कितने वर्ड का आर्टिकल है आप देखो जा करके एक तरीके से, ठीक है ना, सिंपल सा है बस इतना। स्टिल ये वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन तरीके से रैंक कर रही है। अगर मैं इसका आपको यहाँ पर सिमिलर वेब पे ट्रैफिक वगैरह दिखाऊं जाके ना, तो आप देख सकते हो भाई ट्रैफिक जो है भाई मिलियंस में जा रहा है, ठीक है, मिलियंस में ट्रैफिक जा रहा है एक ऐसी वेबसाइट का जिसमें छोटे छोटे जो हैं वो विशेष के इंडिविजुअल जो है वो पेजेस बने हुए हैं। तो इससे आपको भाई एक ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है भाई कि आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखोगे ना तभी रैंक करेगा ना। अगर इस तरीके से आपने एक वेबसाइट बनाई है और जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है ना, जो भी आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे आ रहा है ना, आपने छोटे आर्टिकल भी लिखे हैं बट उसे अगर वैल्यू मिल रही है, हो सकता है इन्होंने कुछ यूनिक विशेष का कलेक्शन बनाया हो जो कि यार कॉमन ना हो, ढूंढान के निकाली हो, थोड़ी यूनिक हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट विजिटिंग वगैरह भी अभी हम समझते हैं चल के भाई कि ट्रैफिक वगैरह किस तरीके से जो है वो रोटेट हो रहा है ना। तो अगर आप वेबसाइट का GUI देखोगे ना तो बहुत ही फ्रेंडली GUI बना हुआ है, नीट एंड क्लीन, सिंपल सा। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें कि भाई ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो अब अगर मैं इसका सोर्स कोड देखता हूँ ना, तो सोर्स कोड देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भाई वर्डप्रेस पे तो नहीं बनी है, ना ही ये ब्लॉगर में बनी हुई है। जो कोड से मुझको आइडिया लग रहा है ये एक कस्टम मेड वेबसाइट जो कि कस्टम कोड करके बनाई गई होगी, हो सकता है HTML CSS और सिर्फ JavaScript का यूज़ हो सकता है कि कुछ डायनेमिक लेवल पे, हो सकता है इनका कोई एडमिन पैनल हो ना, वहाँ से वो जो है वो इमेजेस वगैरह अपलोड कर देते हो या विशेज वगैरह डालते हो और यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो जाती हो जाकर, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल लेवल में ये चीज़ें, प्लस काफ़ी सारी इन्होंने कैटेगरीज बना रखी है। कैटेगरीज का क्या फंडा है वो हम देखते हैं चल करके। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ सिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो आप देखोगे एक टाइटल बन जाता है यहाँ पर, बर्थडे मैसेजेस फॉर सिस्टर, और ये बर्थडे मैसेजेस फॉर सिस्टर, और जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितनी भी विशेज वगैरह जो हैं वो डाली गई हैं वो सारी यहाँ पर लिस्ट हो गई। काफ़ी सारी विशेज डाली गई हैं इस कैटेगरी के अंदर, जैसा कि हमें यहाँ लिख करके आ रहा है वी फाउंड 447, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इस कैटेगरी के अंदर जो है मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये कस्टम मेड वेबसाइट है जिसमें एक एडमिन पैनल हो, उस एडमिन पैनल के थ्रू जो है ये विशेज वगैरह जो है यहाँ पे अपलोड करी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होता है भाई कि एक वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बना करके उसी में दुनिया भर के जो प्लगइन दिए हैं रैंक मैथ और ये सब प्लगइन ना, उनका जब आप यूज़ करोगे तो ही आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। एक कस्टम मेड वेबसाइट ही बहुत बेहतरीन तरीके से रैंक कर सकती है, वो भी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो कि यार एक ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। ये कोई टूल की वेबसाइट नहीं है, यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखे गए हैं वो मैनुअल डाले गए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो भी इमेजेस वगैरह बनी है इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं ना, तो ये देखो इमेजेस वगैरह भी जो है वो यूनिक वगैरह बनाई गई है। देखोगे जो भी इस वेबसाइट का ऑनर है
उसने यहाँ पर अपना वाटरमार्क वगैरह लगा रखा, तो ऐसा नहीं गूगल से उठाई और चीज़ें यहाँ पर डाल दी। काफ़ी टाइम से जो है इस वेबसाइट पर मेहनत करी जा रही है। अगर हम यहाँ नीचे जाएँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ लिखा है 2018 से 2021, मतलब 2018 के आसपास जो है वो ये वेबसाइट बनी थी और 2021, तो एक लॉन्ग रन में ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा व्हाट्सअप स्टेटस वाली वेबसाइट शुरू तो होती हैं, कुछ टाइम के लिए रैंक करती हैं और फिर भाई वो डाउन हो जाती हैं, बट ये वेबसाइट को अगर देखोगे तो काफ़ी पुरानी और कंटिन्यूस लेवल में अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा रैंक कर रही है ना। उसके पीछे कारण यही है यूनिकनेस, ये जो भी विशेष मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ ना मुझे कॉमन नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। ये कुछ अपनी एक रिसर्च करके बढ़िया सा जो है कोड्स वगैरह निकालते हैं, बढ़िया सा यूनिक इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और देखो कितने छोटे छोटे से आर्टिकल लिखे हैं सिंपल। देखो एक उसी कोर्स की जो यहाँ पर एक कोर्स है ना बर्थडे विशेष से रिलेटेड, वो लिखी वही कोर्स जो है वो नीचे भाई इन्होंने चिपका दी, इनका आर्टिकल तैयार हो गया। और अगर आप देखोगे जाके टाइटल में या यूआरएल में इन्होंने क्या डाल दिया, तो उसी से ही रिलेटेड कुछ कंटेंट जो भी कोर्स हो गई ना उसी से रिलेटेड कुछ इन्होंने कॉन्टेंट उठा लिया। बट एक चीज़ उन्होंने मेजर रखी है कि हाँ भाई अगर सिस्टर के बारे में बात हो रही है ना, अगर सिस्टर से रिलेटेड हम विशेष वगैरह डाल रहे हैं तो हमारा टाइटल में कहीं सिस्टर वर्ड वगैरह जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को जो है वो समझ में आ रहा है ना। तो काफ़ी सारी कैटेगरी है, अगर मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरी है, उसमें भी पेजिंग वगैरह लगी हुई है ना नंबर टू वगैरह में जाए, तो काफ़ी सारी इन्होंने हर तरीके की कैटेगरीज को कवर कर लिया है। और मैंने जैसा बताया ना ये एक डायनेमिक लेवल में वेबसाइट है जिसका एक एडमिन पैनल भी होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट नहीं लग रही है। प्लस इन्होंने एक यहाँ पर एक फीचर भी दिया हुआ है ना कि अगर हम यहाँ पर डालें जा करके कोई डे डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने मंथ सेलेक्ट किया, मान लीजिए दिसंबर सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे किया कैलकुलेट डेज, ठीक है, तो आप देखोगे एक इमेज जनरेट हुआ है। देखो ये इमेज जनरेट, उसके ऊपर ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर बढ़िया सी एक इमेज जनरेट हो गई है। उसके ऊपर इन्होंने एक कस्टम जो भी आपका कैलकुलेट होने के बाद जो भी आपका जब बर्थडे होगा तो उसके लिए जितने रिमेनिंग डेज वगैरह होते हैं ना उसका एक बढ़िया से इन्होंने यहाँ फोटो बना दिया हुआ है, और ये फोटो अगला बंदा जो है भाई वो डाउनलोड भी कर सकता है। सी क्लॉक काउंटडाउन वगैरह भी देख सकता है। देखो यहाँ पर ये जो है काउंटडाउन शायद इनका जो है वर्क नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये यूनिक बना। और ये जो इमेज किस तरीके से बनी है ना इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल आपको बताया था कि कैसे आप जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं उसकी एपीआई का यूज़ करके वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस वगैरह निकाल सकते हो, और उसके ऊपर पीएचपी की मदद से पीएचपी जीडी लाइब्रेरी की मदद से जो है वो उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, कोड्स वगैरह लिख सकते हो। तो कुछ उसी अप्रोच से ये जो डायनेमिक लेवल में इमेज जनरेट हो रही है, ऐसा नहीं उन्होंने इतनी सारी इमेजेस जो सेव करके रखी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखोगे यहाँ जो ये डेज लिख करके आ रहे हैं ना ये भाई रन टाइम पर जनरेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं जाकर नवंबर कर दूँ जा करके ना, फिर कैलकुलेट डेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर देखो डेज ये है चेंज होकर के मिल जाएंगे हर बार ना। तो ये रन टाइम पे डायनेमिक लेवल पे जो है वो इमेज जनरेट हो रही है। इसका ट्यूटोरियल जो है मैंने पूरा बना रखा हुआ है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको आइडिया समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये जो चीज़ हो रही होगी। थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट है बट काफ़ी यूजफुल है, यहाँ पर ही वो चीज़ जो है वो रिलीवेंट बैठ रही है। तो देखो सब बिल्कुल छोटे छोटे से आर्टिकल लिखे हैं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ तो आर्टिकल ऐसे हैं ना जिनमें आप देखोगे सिर्फ एक फोटो लगी हुई है और सिंपल सा एक लाइन में जो है भाई वो कोट्स लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। स्टिल इतना सारा ट्रैफिक वेबसाइट लेकर के आ रही है, और मैं अगर अपना एड ब्लॉकर यहाँ पर डिसेबल करूँ जाकर के तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो वेबसाइट है ना भाई वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज भी है, ठीक है ना। तो भाई एड ब्लॉकर डिसेबल करने के बाद आप देख सकते हो ये वेबसाइट पर जो है भाई एड वगैरह जो है वो हमें गूगल एडसेंस के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पर लोड हो रहा है, तो इस ये वेबसाइट गूगल एडसेंस से कम्प्लीटली मोनेटाइज है और काफ़ी बढ़िया जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। अगर इसके ट्रैफिक के हिसाब से इसका रेवेन्यू का आइडिया लगाओगे जाकर ना, तो मिनिमम से मिनिमम आप ये अज्यूम कर सकते हो करीबन 2500 से लेकर के $3000 की मिनिमम से मिनिमम अर्निंग कर रही होगी। क्यों इस तरीके की अर्निंग कर रही होगी इसके पीछे रीज़न आप समझो जाकर के। अगर मैं आप सिमिलर वेब पे कम्प्लीट मैंने खोला जाकर के ना, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो ट्रैफिक की लोकेशन आ रही है ना वो इंडिया से भी आ रही है और काफ़ी सारा ट्रैफिक जो है वो यूएस से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा इसकी अर्निंग को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टॉपिक है भाई वो हैप्पी बर्थडे विशेस के ऊपर है, जो कि भाई जितने भी आपके जहाँ पर कंट्रीज़ में इंग्लिश वगैरह बोली जाती है उन सारे कंट्रीज़ के लिए भाई ये जो चीज़ है ये कॉमन बैठेगी जा करके, तो उन सारे कंट्री से यहाँ पर ट्रैफिक आ सकता है। यूनाइटेड किंगडम वगैरह से भी जो है वो ट्रैफिक आ रहा है ना, ठीक है ना। और अगर हम इस वेबसाइट की देखें किस कंपनी की वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखो कंपनी का नाम भी लिखा है जिसने इस कंपनी को बनाया है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं है ये, कोई देखो ये पुर्तगीज़ में आ रही है ना ये वेबसाइट, तो इसका ऑनर कोई पुर्तगीज़ कंपनी है जिसने ये चीज़ बनाई है। तो इस तरीके की वेबसाइट को भाई आप बिल्कुल ब्लॉगर में बना सकते हो, और इसमें प्लस इसमें काफ़ी सारे आप अपनी तरफ से एडिशनल फीचर भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे कहीं पे भी कॉपी का बटन नहीं दिख रहा, आप एक कॉपी का बटन लगा सकते हो अगर वर्डप्रेस में, तो कॉपी सीधे आर्टिकल को कॉपी करने के ना
कई सारे प्लगइन्स वगैरह मिल जाते हैं, कॉपी का बटन लगा सकते हो, तो ये जो बंदा है वो संग के संग वो चीज़ कॉपी भी कर पाएगा। इमेजेस वगैरह के ऊपर आपने ऑलरेडी अपने ब्रांड का वाटरमार्क लगा ही रखा है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो साथ में जैसे ही यहाँ पर रोल ओवर करे जा करके, तो डाउनलोड का बटन आ जाए और सीधे जो बंदा डाउनलोड पर क्लिक करो और वो इमेज जो है डाउनलोड हो जाए जा करके। इस चीज़ का भी ट्यूटोरियल जो है वो मैंने अपने चैनल पर बता रखा है कि कैसे भाई इमेज के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेकर के जाओगे तो एक डाउनलोड का बटन आया था और डाउनलोड के बटन पर आप जब क्लिक करोगे तो इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल, कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग की उसमें जो है वो नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो सभी चीज़ों के लगभग ट्यूटोरियल बना रखे हैं, जिसमें अगर आप इस तरीके की मान लो वेबसाइट बनाते हो और उसे बढ़िया से रैंक करवा लेके जाते हो ना, तो ये कुछ एडिशनल फीचर है जिसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें मुझे ये एडिशनल फीचर जो है वो मिसिंग लग रहा है। अगर मैं इस तरीके की चीज़ बनाऊँ जा करके ना, इवन मैंने खुद भी ये चीज़ सोचा है कि यार इस तरीके की चीज़ पर मैं काम करूँगा, अभी समय की कमी है तो मैंने सोचा चलो यार आपके साथ, मुझे काफ़ी बढ़िया आइडिया लग रहा है तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं भाई ना, कि आपको एक ये भी चीज़ पता चलेगी कि यार जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आपको जरूरी नहीं आप बहुत बड़े बड़े कंटेंट लिखो जा करके। इसने जो गेम खेला है वो गेम खेला है कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कोर्स डालने का, और उन मल्टीपल कोर्स के भी इंडिविजुअल पेज जो है वो जनरेट होगा। ये इसकी थोड़ी डिफरेंट तरीके की अप्रोच दिख रही है। नॉर्मली केसेस में जो ब्लॉगर या वर्डप्रेस वेबसाइट देखी उसमें एक ही आर्टिकल होता है कि बर्थडे विशेस फॉर सिस्टर्स, के अंदर 500-200 ऐसे करके जो है वो कोट्स वगैरह पड़ी रहती है, कुछ रैंडम इमेजेस वगैरह भी पड़ी रहती है, तो वो भी रैंक करती है। अब अगर हम यहाँ पर जाएं और हम देखें जाके इसके कीवर्ड थोड़े से यहाँ जो रैंक कर रहे हैं टॉप कीवर्ड जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, तो जब मान लो अगर मैं पहले कीवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि किसी ने टाइप करा मान लो फनी बर्थडे विशेस फॉर बेस्ट फ्रेंड, जो कि यार नॉर्मली बहुत मतलब लोग सर्च करते ही होंगे इस तरीके की चीज़ ना, तो भाई ये जो देखो वेबसाइट जो है वो टॉप पर रैंक कर रही है, और टॉप पर रैंक कर रही है तो कोई इंडिविजुअल पोस्ट नहीं रैंक कर रहा है, ये प्रॉपर एक कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी के अंदर जो है वो काफी सारी मल्टीपल जो है वो विशेस वगैरह उसी से रिलेटेड जो है वो पड़ी हुई है। मल्टीपल कितनी पड़ी हुई है यहाँ पे काउंट वगैरह भी दिखाता ना, 224 के आसपास ना, तो इस तरीके से जो है वो ये चीज़ बनी हुई है, जो कि वर्डप्रेस में भी आप बना सकते हो हर एज ए इंडिविजुअल पोस्ट पोस्ट के तरीके चीज़ें आप डाल सकते हो और कैटेगरीज के अंदर जो है वो उसको एसोसिएट कर सकते हो जाके। तो जब भी कोई बंदा उस कैटेगरी वगैरह पे क्लिक करेगा तो भाई उसका उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको पोस्ट का वहाँ पे एसईओ नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी का एसईओ करो जाकर जिसके अंदर वो जो है मल्टीपल बेसिस वगैरह जो है वो दिखे जा करके। बढ़िया से कोई थीम आप देख सकते हो, थीम को भी अगर आप थोड़ा आपको कोडिंग की नॉलेज है तो थीम को भी आप इस लेवल पर कस्टमाइज कर लोगे, क्योंकि इसकी थीम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो देखने में लग रही है। कहीं पे देखो सिंगल एक पोस्ट आ रही है, जहाँ इमेजेस वगैरह है वहाँ एक ही रो में दो इमेजेस वगैरह आ जा रही ना, तो ये काफ़ी बढ़िया जो है लुक वाइज देखने में वेबसाइट लग रही है। तो लुक भी काफ़ी मैटर करता है यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे ना, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी मैटर करती है ना। तो आपको एक आइडिया लगा कि यार कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि बड़ी बड़ी पोस्ट लिख करके ही जो वेबसाइट है भाई ब्लॉग जो है वो रैंक करता है। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ये केस स्टडी है कि भाई छोटे छोटे पोस्ट लिख करके भी उसको एसोसिएट करके कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें इंडिविजुअल में भी ट्रैफिक नहीं आता, इंडिविजुअल लेवल पे भी इसमें ट्रैफिक आता होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है जो मल्टीपल कैटेगरीज वगैरह क्लिक करी गई ना तो वहां से आता है जाकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके का यार कुछ कॉन्सेप्ट है, और आई होप एक आपको डिफरेंट कुछ अप्रोच मिली होगी कि हाँ भाई किस तरीके से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट को कितना छोटा बना करके कैटेगरी के साथ एसोसिएट करके जो है वेबसाइट को बढ़िया तरीके से उन्होंने गूगल में रैंक करा रखा हुआ है, और भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अर्निंग हो रही है। तो भाई आज की केस स्टडी यहीं तक थी, आई होप आपको केस स्टडी जो है वो भाई मस्त लगी होगी। तो भाई केस स्टडी अगर आपको बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं भाई हम किसी अगले धांसू टाइप के वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।